सो हे गाइस, मेरा नाम है आफ्ताब अंसारी और आफ्ताब एसएससी में आप सभी का स्वागत है। दिन की शुरुआत होती है सुबह के कैलकुलेशन से। मैं सुबह सुबह उठ के सबसे पहले कैलकुलेशन करता हूँ, फिर उसके बाद कोई सेशन स्टार्ट करता हूँ। और अभी मैं 200 डेज का चैलेंज करने वाला हूँ, जिसका आज पहला दिन है। 200 दिन तक हम सुबह उठ के डेली कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन में जैसे सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड 1 से लेके 40 तक स्क्वायर, 1 से लेके 20 तक क्यूब, ये सब होता है। आज पहला दिन है इसलिए मैंने इतना टारगेट रखा है कि 5 से 6 घंटे में टारगेट कंप्लीट हो सके। एंड नाउ आई एम गोइंग टू रिवाइज नोट्स ऑफ टाइम एंड वर्क, क्योंकि अरिथमेटिक में मुझे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जब भी टेस्ट लगाता हूँ उसमें टाइम एंड वर्क के 1-2 क्वेश्चन ज़रूर होते हैं और वो मुझसे सॉल्व नहीं होगा। एक बार मैंने क्लास करके उसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी, जिससे टाइम एंड वर्क मेरा का पक्का नहीं हो पाया था। तो अभी 1 से 2 दिन में इसको कंप्लीट कर लेंगे रिविज़न। आफ्टर दैट हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे किरण बुक से, फिर उसके बाद मॉक में शायद क्वेश्चंस नहीं फंसेंगे। तो अभी रिवीजन वाला सेशन कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद हम करेंगे अलजेब्रा चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अप्रोक्स 4 से 5 दिन लग गए थे मुझे अलजेब्रा चैप्टर का रिवीजन करने में, वो भी मैंने अपने नोट्स से रिवीजन किया था। ये नोट्स मैंने बनाए थे जब मैंने राकेश यादव सर का बैच लिया था, मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स मैंने उन्हीं से पढ़े। अगले 1 वीक तक मैं सिर्फ 25-25 क्वेश्चंस सोल्व करूंगा एडवांस मैथ, क्योंकि मुझे पता है कंसिस्टेंसी बनाने के लिए मुझे कम से कम टास्क रखना होगा, तभी मैं डेली के डेली पढ़ाई कर पाऊँ। नेक्स्ट वीक मैं थोड़ा सा टास्क बढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि अभी शुरुआत में अगर थोड़ा सा अभी गड़बड़ हुआ तो ये चैलेंज टूट जाएगा और मैं कंसिस्टेंसी के साथ ये पूरा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि 14 से 15 घंटे पढ़ने के लिए शुरुआत में क्या करना पड़ता है। इफ़ यू वांट टू स्टडी फॉर लॉन्ग टाइम तो आपको ये करना पड़ेगा, शुरुआत में थोड़ा सा ही टास्क बनाएं। अगर आपकी एफिशिएंसी 8 घंटे की है तो आप सिर्फ 5 घंटे की टाइम टेबल बनाएं, उसके हिसाब से धीरे धीरे आप बढ़ाते। अलजेब्रा के 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद हमने वोकैब किया, फिर वोकैब के बाद हम करने जा रहे हैं ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में परफेक्ट कॉम्पिटेटिव इंग्लिश बुक से करता हूँ। अगर आपको इस बुक का कंप्लीट रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इस बुक का कंप्लीट रिव्यू आपको बना के दे दूंगा। जहाँ तक मुझे लगता है ये बुक नीतू मैम से बेटर बुक है। अगर आप बोलोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका कंपैरिजन नीतू मैम के बुक से आज कर दूंगा। इन ग्रामर सेक्शन आई डिड रीडिंग ऑफ वर्ब चैप्टर, आफ्टर दैट मैं खाना खाने चला गया था, फिर उसके बाद 1/2 घंटा रेस्ट करके फिर आगे पढ़ा। रीजनिंग में मैं अभी सीरीज कर रहा हूँ जो कि पिनाकल बुक से इसकी प्रैक्टिस करता हूँ, और मैंने कंप्लीट प्रैक्टिस यही बुक से की थी, ना ही मैंने कोई ऑनलाइन बैच लिया है और ना ही मैंने किसी ऑफलाइन बैच से पढ़ा है। मैंने बस एक यूट्यूब चैनल फॉलो किया था, वो भी 1-2 चैप्टर पर मैंने वहाँ से हेल्प ली। चैनल का नाम है सिग्मा एकेडमी बाय हेमंत, और वहाँ काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करा देते हैं, आपकी कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है। From today, I am going to solve PYQs of each English section from Kiran book as 10 comma, 10 sentence improvement, 2 close test and 2 PQRS and last and very important thing, 2 comprehension. I know आप लोग बोलोगे कि टारगेट बहुत कम है। हाँ, मैंने टारगेट शुरुआत में कम रखे हैं, फिर आगे चल के अभी 1 से 2 महीने के बाद हम टारगेट्स और ज़्यादा बढ़ाएंगे। अगर मैंने अभी से ही टारगेट बड़े रख लिए तो कंसिस्टेंसी नहीं बन पाएगी, फिर तो उसके बाद चैलेंज ये फेल हो जाएगा। बिकॉज लैक ऑफ टाइम इन द मॉर्निंग आई एम नॉट एबल टू डू वर्कआउट इन द मॉर्निंग, जस्ट एंजॉय द वीडियो। वर्कआउट करके मैं अपने दोस्तों के साथ चला गया था घूमने, जिसकी वीडियो मैं शूट नहीं कर पाया। फिर घर पे आके खाना खा के मैंने रीडिंग सेशन स्टार्ट कर दिया। रीडिंग में मैं अभी थिंक एंड रिच ग्रो बुक की रीडिंग कर रहा हूँ। 1/2 घंटा रीडिंग करने के बाद अब टाइम हो गया था थोड़ा सा रील्स देखने का। वर्कआउट में अभी मैं अपर बॉडी पे वर्क कर रहा हूँ, जिससे लोअर बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा चर्बी आ चुकी है एंड एप्स भी काफ़ी ज़्यादा डिसअपेयर हो चुकी हैं। तो कल से अपन फोकस करेंगे एप्स की एक्सरसाइजेस पे। टारगेट कम से इसलिए आज पढ़ाई करने में मज़ा आ गया। तो मैं यही कहूँगा, आप लोग मेहनत से पढ़ाई करते रहो और हाँ, टारगेट्स को कम सेट करो और कंसिस्टेंसी के साथ ज़्यादा पढ़ाई करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय।